अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं साकिब मेकन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनको अगर आप डेवलप कर लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं या फिर सीख के आते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं यूके में इनिशली जॉब तलाश करने में और लेटर ऑन यहाँ पर वर्क वीज़ा हासिल करने में। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं कि जिनको हम सीख के आएँ। और नॉर्मली जब मैं भी यूके नहीं आया था तो उससे पहले जब मेरा यूके का वीज़ा कंफर्म हुआ तो मुझे ये बोला गया दोस्तों की तरफ से या फिर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि यार प्लम्बर का काम सीख लो या फिर इलेक्ट्रिशियन जो है उसका काम सीख लो या फिर नाइयों का काम सीख लो तो यार उधर जाके बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब ये इसलिए वो लोग बोलते हैं कि यस यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं या इवन आप नाई हैं तो आप बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, किसी रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, काम सीख लेंगे, कोई सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। लेकिन यूके में अगर आपने एज अ प्लम्बर या फिर एज अ इलेक्ट्रिशियन काम करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर 2 से 3 साल काम सीखना पड़ेगा, फिर मुख्तलिफ लेवल्स हैं जिसमें सेफ्टी है, मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हैं, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं एज अ फुल टाइम इलेक्ट्रिशियन, एज अ फुल टाइम प्लम्बर। और जहाँ तक नाइयों का काम है तो उसमें भी यही सेम सिनेरियो, बड़े डिफरेंट है यहाँ पे जो कटिंग है और बाकी जो सिनेरियो जोक्स अपार्ट जो भी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना होमवर्क करके आएँ कि आप जिस भी मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इनिशियली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि यार चलो रिहाइश अगर होगी या मेरी मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया तो यार मैंने अब पैसे कमाने हैं क्योंकि मैंने अपनी फ़ीस पे करनी है, अपना जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको मैंने मैनेज करना है। तो इन तमाम सिनेरियोस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी स्किल्स आप सीख के आएँ जो कि इनिशियली आपको हेल्प आउट करें नौकरी तलाश करने में। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि अगर आप डेवलप करते हैं, जिनके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और जो कि है कॉन्फिडेंस और सेकेंड स्किल है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में मैं स्पेशली बात करूँगा अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा रहे हैं जैसे कि यूके है तो अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से उसको ऊपर वर्किंग करके आएँ। आपकी स्पीकिंग, आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो आप काफ़ी स्ट्रगल होगी। नॉर्मली जब आइल्स हमने करना होता है अपने कंट्रीज़ में तो हमें वो बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा होता है। हालांकि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करें। तो अगर आप के अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनके लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। जैसे कि सेल्स की जॉब्स हैं यहाँ पे, कस्टमर सपोर्ट्स की जॉब्स हैं, इसके अलावा रिसेप्शन के ऊपर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पर अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको वो जॉब मिल सकती है और उसमें आप पैसे भी अच्छे हैं और लेटर ऑन आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्किल है वह ड्रेसिंग की। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत वर्कआउट करके आएँ, यहाँ पर कल्चर क्या है, किस किस्म का ड्रेस जो है आपने विंटर्स में पहनना है, समर्स में किस तरह से खुद को कैरी करना है, अपनी पर्सनैलिटी को आपने किस तरह से प्रजेंट करना है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसको भी डेवलप करके हैं, इसके ऊपर वर्किंग करें क्योंकि हम जिस कल्चर से आ रहे होते हैं नॉर्मली हम 2 पीस या 3 पीस सूट जो है वो शादियों पे पहनते हैं। तो मुझे अभी भी याद है मैं जब दुबई गया 2019 में तो वहाँ पे जो ये 2 पीस या 3 पीस कल्चर इज़ वेरी कॉमन, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ है, फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे वहाँ पर ये भी पता चला यार आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह ग्रूम करना है, अपने ख़ुद को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप कहीं जाते हैं जॉब हासिल करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इसके ऊपर भी लाजमी आपने वर्किंग करनी है।
अब थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो है ड्राइविंग। आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, जहाँ पे आप 20, 25, 30 लाख रुपया खर्च करके आ रहे हैं। अगर somehow 3-4 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा लेके आते हैं और आते साथ इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप गाड़ी परचेज कर लेते हैं, उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं जब आपको बैच मिल जाएगा, या आप डिलीवरीज का काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यानी जहाँ पे एक लड़का किसी टेक अवे में काम कर रहा है और वो घंटे के 5 या 6 पाउंड कमा रहा है, तो अगर आपके पास अपनी कन्वेंस है और आपको गाड़ी चलाने आती है तो आप घंटे के 10 से 15 पाउंड कमा सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास जो जॉब सर्च का एक सर्कल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल स्किल है जिसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे आके थोड़ा बहुत जब मैंने सर्च की जॉब्स वगैरह, तो मुझे पता चला कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल थी जिसको अगर मैं सीख के आता तो मुझे बहुत ज़्यादा वो आसानी होती। वो है कि क्योंकि यहाँ पे निचली आपने फास्ट फूड इंडस्ट्री में काम करना है, ये मुश्किल है हमारी कंट्रीज में, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो फास्ट फूड की जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके हैं, जिसमें फूड सेफ्टी है, कस्टमर डीलिंग है, और फास्ट फूड का एक एनवायरनमेंट होता है अपना, एक कुछ SOPs होती हैं, उसकी अगर आपको हाउ नाउ है तो आप किसी अच्छी यानी कि अच्छी किसी ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, KFC है, उनकी वेजेस भी अच्छी हैं वहाँ पे। लेटर ऑन आपके पास जब आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, तो जब आपको छुट्टियाँ होंगी समर्स में तो सिनेरियो में भी आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस एक्सपीरियंस को की बेस के ऊपर और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें, अच्छे पैसे कमाएं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है वो यहाँ पे UK में कॉफ़ी का कल्चर बहुत आम है। जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया में चाय बहुत शौक से पीते हैं, तो यहाँ पे जो गोरे हैं वो कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं। तो जो कॉफ़ी मशीन है, अगर आपको वो ऑपरेट करने आती है, आपके पास की ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो कॉफ़ी की मशीन को अगर आप ऑपरेट करना सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर कैफ़े में, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में जो कॉफ़ी मशीन है वो अवेलेबल है, और उसको उन्हें एक ऑपरेटर चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अब वो है फर्स्ट एड। आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करके अपनी कंट्री से, यहाँ पे नॉर्मली टेक अवे का जो की जो जॉब्स हैं उसके बाद जो सेकंड सबसे ज़्यादा जॉब्स करते हैं स्टूडेंट्स वो हैं सिक्योरिटी की जॉब्स। अब नॉर्मली जब आपने सिक्योरिटी का यहाँ पे बैच अप्लाई करना है, उसकी जो ट्रेनिंग है उसके साथ फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो लाजमी है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप अपने मुल्क से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को करके आ रहे हैं और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और सिक्योरिटी की जॉब के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोर्स के लिए, यानी जो फर्स्ट एड का कोर्स है उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब मैं जिस स्किल की बात करने लगा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास इस स्किल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो UK में इन फ्यूचर आप अपना वर्क वीज़ा को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपने अभी कई लोगों से सुना होगा कि जी हमें UK का वीज़ा मिला है वर्क वीज़ा हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में जो मैक्सिमम लोगों को वीज़े मिल रहे हैं UK में अब वो है केयर असिस्टेंट के। तो आप अपने मुल्क से कम 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करके आएँ हेल्थ केयर में केयर असिस्टेंट का। जो ओल्ड हाउसेज हैं या नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे जो केयर असिस्टेंट की जॉब है उसके ऊपर थोड़ा सी वर्किंग करें, वो एक्सपीरियंस गेन करके आएँ, उसके साथ सर्टिफिकेशन लेके आएँ। अब यकीन माने अगर आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इधर जो कि स्पॉन्सरशिप ऑफर करेंगी आपके एक्सपीरियंस, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर। तो केयर असिस्टेंट की अगर जॉब आप यहाँ पे करना चाहते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वीज़ा अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, तो ये जो एक स्किल है, आप चाहे किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, कोशिश करें कि ये जो स्किल है केयर असिस्टेंट की, जिसमें पर्सनल केयर और कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं, उसके ऊपर वर्किंग करें, उन NGOs को तलाश करें जो कि ये काम कर रही हैं आपके कंट्रीज़ में, और इस पार्टिकुलर जो स्किल है
एज अ केयर असिस्टेंट इसको डेवलप करके आएँ, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इन फ्यूचर आप वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।